मार्केट साथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हम देखे थे ब्रोकर किसे कहा जाता है और ब्रोकर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है अपना क्लाइंट्स को इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रोकर्स का टाइप को ब्रोकर जो जो सर्विस क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है उसके ऊपर बेस करके ब्रोकर्स को अलग अलग टाइप में डिफरेंशिएट किया जाता है और इसी टाइप को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में ताकि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अच्छा ब्रोकर का चयन कर सके मार्केट में जितना भी ब्रोकर से उनको टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है फर्स्ट फुल सर्विस ब्रोकर सेकेंड डिस्काउंट ब्रोकर फुल सर्विस ब्रोकर्स को फर्दर और टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है जनरल फुल सर्विस ब्रोकर एंड बैंक बेस्ड फुल सर्विस ब्रोकर जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है फुल सर्विस ब्रोकर वैसे ही फुल सर्विस ब्रोकर बहुत सारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को और डिस्काउंट ब्रोकर क्लाइंट्स को फुल सर्विस ब्रोकर की तरह उतना सर्विस प्रोवाइड नहीं करता दोनों टाइप ब्रोकर्स आपको ट्रेड करने का एक्सेस देता है लेकिन अलग अलग जो सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड करता है यहाँ पे इनको डिपरेंशिएट करता है पहले फुल सर्विस ब्रोकर के बारे में जान लेते हैं फुल सर्विस ब्रोकर का जो टू कैटेगरी है जनरल फुल सर्विस ब्रोकर एंड बैंक बेस्ड फुल सर्विस ब्रोकर इनमें सभी सर्विस एंड फीचर्स सेम ही है इसे सिर्फ एक पॉइंट डिफरेंशिएट करता है वो है थ्री इन वन अकाउंट जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाओगे थ्री अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा एक ट्रेडिंग अकाउंट दूसरा डिमार्ट अकाउंट और तीसरा सेविंग बैंक अकाउंट और बैंक बेस्ड फुल सर्विस ब्रोकर आपको ये तीनों अकाउंट एक ही प्लेस में ओपन करके लिंक करवा देगा लेकिन जनरल फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर आपको थ्री इन वन अकाउंट का फैसिलिटी नहीं देता है इन्होंने सिर्फ आपको डिमार्ट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके देगा बैंक अकाउंट आपको अलग से प्रोवाइड करना पड़ेगा इनको इस अकाउंट टॉपिक को हम और भी डिटेल्स में देखेंगे जब इस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो लाएंगे फुल सर्विस ब्रोकर अपने क्लाइंट्स को रिसर्च रिपोर्ट्स, एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करता है अलग अलग सिक्योरिटीज के ऊपर जैसे स्टॉक कमोडिटीज करेंसीज, म्यूचुअल फंड आई पी ओ इंश्योरेंस टैक्स टिप्स और भी बहुत सारा सर्विस रहता है इनका इस ब्रोकर का फिजिकल ब्रांचेस रहता है एक्रोस कंट्री में जहाँ पे क्लाइंट विजिट कर सकता है किसी भी तरह का हेल्प के लिए इन्होंने क्लाइंट्स को एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर ऑफर करता है क्लाइंट्स को किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो रिलेशनशिप मैनेजर को कंटेक्ट कर सकता है इन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विस ऑफर करता है एंड बहुत सारा वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी ऑफर करता है क्लाइंट्स को फुल सर्विस ब्रोकर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ टेक्निकल कॉल भी देता है अपना क्लाइंट्स को मतलब सिक्योरिटीज को बाय सेल करने का टिप्स प्रोवाइड करता है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस करके फुल सर्विस ब्रोकर एंड ऑफ द डे रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है मतलब हर दिन मार्केट में क्या हुआ इसका एक रिपोर्ट बना के क्लाइंट्स को भेजता है एंड ऑफ द डे फुल सर्विस ब्रोकर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है मार्केट में रिसेंट न्यूज का अलर्ट भेजता है फुल सर्विस ब्रोकर इतना सारा फैसलिटी देने के कारण क्लाइंट से ब्रोकरेज फी भी ज्यादा चार्ज करता है पॉपुलर फुल सर्विस ब्रोकर में आता है बैंक बेस्ड फुल सर्विस के अंदर है आई डायरेक्ट कोटैक्सिक्योरिटीज एच डी एफ सी सिक्योरिटीज जनरल फुल सर्विस ब्रोकर में है शेर खान ओसवाल एंजल ब्रोकिंग एडल वाइज ब्रोकिंग अभी डिस्काउंट ब्रोकर का सर्विसेज एंड फैसिलिटीज को देख लेते हैं डिस्काउंट ब्रोकर का सबसे बढ़िया फैसिलिटीज है इन्होंने बहुत ही कम ब्रोकर चार्ज करते हैं कंपेयर टू फुल सर्विस ब्रोकर इनका फिजिकल ब्रांच बहुत ही कम होता है अक्रॉस कंट्री में डिस्काउंट ब्रोकर का मेन फोकस है टेक्नोलॉजी के मदद से क्लाइंट्स को ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करना क्लाइंट्स का जो भी क्वाइरी है ऑनलाइन सॉल्व करना ब्रोकर किसी भी तरह का रिपोर्ट, नहीं करता है अपना क्लाइंट्स को डिस्काउंट कॉमोडिटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का फैसिलिटी देता है एग्जाम्पल है जीरोधा आप स्टॉक फाइव पैसा इसके अलावा भी है सैमको प्रोस्टॉक्स फायर अभी एक कर लेते हैं फुल सर्विस ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर बीच में फुल सर्विस ब्रोकर का ब्रोकरेज चार्ज हाई होता है डिस्काउंट ब्रोकर का ब्रोकरेज चार्ज लो होता है फुल सर्विस ब्रोकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ एडवाइजर भी देता है सेल करने का डिस्काउंट ब्रोकर ऑनली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसी भी तरह का एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता है फुल सर्विस ब्रोकर में बैंक बेस्ड फुल सर्विस ब्रोकर थ्री इन वन अकाउंट का फैसिलिटी देता है डिस्काउंट ब्रोकर थ्री इन वन अकाउंट का फैसिलिटी नहीं देता है सिर्फ डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाता है फुल सर्विस ब्रोकर ऑनलाइन सर्विस देने के साथ साथ फिजिकल ब्रांच से भी सर्विस प्रोवाइड करता है डिस्काउंट ब्रोकर का फिजिकल ब्रांच ज़्यादा नहीं होता है ये ज़्यादातर सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करता है फुल सर्विस ब्रोकर क्लाइंट्स को एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर देता है डिस्काउंट ब्रोकर रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट नहीं करता है क्लाइंट्स का जो भी क्वायरी है जनरल हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके या फिर ईमेल के मदद मतलब से हेल्प ले सकता है फुल सर्विस ब्रोकर कॉल एंड ट्रेड का अलग से कोई भी फीस चार्ज नहीं करता डिस्काउंट ब्रोकर कॉल एंड ट्रेड का अलग से फीस चार्ज करता है कॉल एंड ट्रेड का मतलब है आप अगर ब्रोकर का टर्मिनल से ट्रेड ना करके डायरेक्ट ब्रोकर फॉर्म में कॉल करके आपके बिहार में ट्रेड करने के कहते हो तब इसको कॉल एंड ट्रेड कहा जाता है कुछ केस में ब्रोकर आपका ओपन पोजीशन को स्क्वायर अप कर देता है आपका परमिशन के बिना इसको भी कॉल एंड ट्रेड कैटेगरी में गिना जाता है किस किस केस में ब्रोकर ऐसा करता है ये हम आगे आने वाले किसी वीडियो में देखेंगे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है और डिस्काउंट ब्रोकर का सभी सर्विसेज फैसिलिटीज़ ऑनलाइन है एंड इसका ब्रोकरेज भी कम होने के कारण डिस्काउंट ब्रोकर बहुत ही पॉपुलर हो गया है पिछले चार पाँच सालों में अभी के सिचुएशन में कोई भी नया अकाउंट ओपन कर रहा है तो वो डिस्काउंट ब्रोकर को ही ज़्यादा प्रिफरेंस दे रहा है तो इसीलिए हमें डिस्काउंट ब्रोकर का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी जानना जरूरी है तो कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में हम जान लेते हैं एडवांटेजेस के अंदर फास्ट आता है लोअर कॉस्ट डिस्काउंट ब्रोकर का ब्रोकरेज कम होने के कारण ट्रेडिंग कॉस्ट भी कम हो जाता है नेक्स्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डिस्काउंट ब्रोकर बहुत ही कम ब्रोकरेज में अच्छा अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है नेक्स्ट एडुकेशन डिस्काउंट ब्रोकर ब्लॉग्स और वीडियोस के माध्यम से फाइनेंशियल एडुकेशनल मटेरियल्स प्रोवाइड करवाता है नेक्स्ट फ्लैट ब्रोकरेज चार्जेस डिस्काउंट ब्रोकर एक फ्लैट ब्रोकरेज चार्ज करता है चाहे आप वन लॉट बाय करें या फिर हंड्रेड लॉट बाय करें जैसे जेरोधा ट्वेंटी रुपीज फ्लैट चार्ज करता है चाहे आप निफ्टी का वन लॉट बाय करें या फिर हंड्रेड लॉट्स बाय करें लेकिन फुल सर्विस ब्रोकर आपका टोटल ट्रेड वॉल्यूम के ऊपर एक परसेंटेज चार्ज करता है नेक्स्ट आन बायास्ट सर्विसेस एंड नो मिसलीडिंग डिस्काउंट ब्रोकर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइजेज प्रोवाइड नहीं करता है इसीलिए इन्होंने किसी थर्ड पार्टी का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट प्रोमोट करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है और इनके द्वारा इनका क्लाइंट्स मिसगाइड होने का कोई चांस नहीं रहता है मैं यहाँ पे बिल्कुल ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि फुल सर्विस ब्रोकर अपना क्लाइंट्स को मिसगाइड करता है एक अच्छा रेपुटेडेड फुल सर्विस ब्रोकर कभी भी अपना क्लाइंट्स को मिस करना नहीं चाहेगा लेकिन छोटे छोटे जो फुल सर्विस ब्रोकर फार्म है इनके साथ ये पॉसिबिलिटी रह सकता है अभी कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं डिस्काउंट ब्रोकर का फर्स्ट है नो रिलेशनशिप मैनेजर डिस्काउंट ब्रोकर रिलेशनशिप मैनेजर ऑफर नहीं करता है एक रिलेशनशिप मैनेजर क्लाइंट्स का क्वेरी को सॉल्व करता है क्लाइंट्स को अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने में सलाह देता है क्लाइंट्स का बिहार में उनका पोर्टफोलियो मैनेज करता है जनरल टर्म्स में काऊ तो क्लाइंट्स को एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता है तो आपको अगर ये सब फैसिलिटी चाहिए तो डिस्काउंट ब्रोकर आपके लिए नहीं है नेक्स्ट है एडवाइजरी डिस्काउंट ब्रोकर क्लाइंट्स को एडवाइजरी सर्विसेज कंपनी रिपोर्ट ट्रेडिंग कॉल एंड ऑफ द डे रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करवाता है नेक्स्ट डिस्काउंट ब्रोकर कॉल एंड ट्रेड का अलग से फीस लेता है नेक्स्ट डिस्काउंट ब्रोकर थ्री इन वन अकाउंट का फैसिलिटी नहीं देता है इतना सब डिटेल्स देने के बाद आपको बहुत कुछ क्लियर हो चुका है डिस्काउंट एंड फुल सर्विस ब्रोकर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग चार्ज के बारे में मतलब अकाउंट ओपन करने में कौन सा चार्ज देना पड़ता है अकाउंट को मेंटेन करने में क्या क्या चार्ज लगता है ट्रेड करने पर ब्रोकरेज के साथ साथ और कौन सा कौन सा चार्ज देना पड़ता है कौन सा चार्ज कितना परसेंट लगाया जाता है कौन सा कौन सा चार्ज कॉन्स्टेंट है मतलब ब्रोकर चेंज करने पर भी वो चार्ज सेम रहता है चेंज नहीं होता है शेयर मार्केट में ट्रेड करने पर जो जो चार्ज लगता है इसका डिटेल्स चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हर बार की तरह इस बार भी आपको कहूंगा अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए